साथियों, जो आपका डेलीगेशन गया था वो पूर्णतः पॉजिटिव बात लेकर के आपके बीच में आए हैं और वो आपकी शक्ति का ही एक प्रदर्शन है। डेलीगेशन में हम तीन लोगों से मिले, रवि जो उनके धवन, आरन शर्मा और एलजी, तीनों से अलग अलग मीटिंग हुई। पूनिया जी बताएंगे कि जो आज जो एलजी ने कमिटमेंट किया है वो क्या है, वो सब आपके पॉजिटिव है। पूनिया जी बहुत अच्छा। हमारे बीच में पीएस धामा जी आए हैं, एक बार मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आप प्रिंसिपल हैं यही स्कूल में और ओबीसी टीचर यूनियन के आप हेड है दिल्ली के, पीएस धामा जी, ताली बजा करके उनका भी स्वागत। और बाबूराम तोमर जी भी आए थे, मैंने बताया था। विनोद कुमार चौहान जी जो ऑल इंडिया के हमारे शायद भाषण आपने दे दिया, आप विचार रखेंगे वो नींद तो खैर मैं ही खोल दूंगा आपकी जो बताऊंगा। हाँ, लेकिन विनोद चौहान का भाषण जरूर सुनेंगे। साथियों, पांच लोगों को कहा था, साथ गए, जो दो दो लेडी थी ना, आदमी तो पांच थे ना, लेकिन चला गए। तो अंदर गए, सबसे पहले सेक्रेटरी मिस्टर धवन से मिले। मैंने कहा पहले धवन साहब पानी पिलाओ, मुंह सूख रहा है भाषण देते देते, बोला पानी पिलाओ, पानी पिला, क्यों जैसे हुआ। फिर मैंने कहा जो मेरे साथी बाहर रह गए उनको बुलाओ, बुलाया, उन्हें सुना, सुन के लगे ये मैटर दूसरे सेक्रेटरी का, मिस्टर आर एन शर्मा जी का। फिर आर एन शर्मा जी के पास गए, आर एन शर्मा जी मुझे पहले से पर्सनली जानते, सेक्रेटरी एल जी। मैंने कहा शर्मा जी आप तो एस डी एम थे पहले, बोले हाँ। उन्होंने बात को समझा और समझने के बाद वो एकदम से समझ गए, एकदम से ऑर्डर को पढ़ा, कहते बिल्कुल गलत है ऑर्डर। मैंने कहा हम एल जी साहब से मिलना चाहते हैं। पहले वाले ने कहा एल जी साहब नहीं है, शर्मा जी कहने एल जी साहब से ज़रूर मिलवाऊंगा। तो मैं और भोले सिंह दो अलाउड करे एल जी साहब ने, अंदर ले गए। एल जी साहब अंदर बैठे हुए थे और मैं और भोले सिंह जी दो को अलाउड किया। मैंने कहा एल जी साहब मैं तो आपको भी जानता हूँ। बोला कैसे, वहाँ पहले डी डी एम में थे, वहाँ थे। बोले हम लोग जानता है, तो बात करने का तरीका होता है। तो मैंने कहा ये बात है, बोला मुझे शर्मा जी ने समझा दिया, बिल्कुल गलत हुआ है। एल जी साहब का कहना है कि मिस्टर रामकिशन पूनिया जी, जब मैंने कहा 35 साल से हूँ और प्राइमरी से यूनिवर्सिटी लेवल तक की जो है यूनियन है, कहने लगे मेरे से धोखे से साइन कराए, धोखे से साइन कराए हैं और आपका वाजिब हक 15:30 बिल्कुल मिलना चाहिए। ये माननीय अनिल बैजल जी की बात है, यही कहा ना। वो ये कह रहे हैं कि भाई एक्शन प्लान को बोला था हमने, हाँ ले लो, तो ऑर्डर कर दिया, प्लान बनाइए। हमने ये कब बोला था कि रिजर्वेशन मत हो, एलजी साहब खुद अनिल बैजल ने कहा मेरे को, कहा बोला है कि बुलाइए चीफ सेक्रेटरी, बोला बुलाओ उसको, सेक्रेटरी सर्विस को फोन मिला, बुलाओ चीफ सेक्रेटरी को, ऐसा हुआ है, ऐसा वो धोखे, ये कौन सी बात ऐसी हुई है। और ये हाँ, और सुन लो, और एक मिनट, और सुन लो, साथ में हमारा हेल्थ नर्सिंग उससे हमारे जो साथी थे साथ में, उनके लोकेश उनके ज्ञापन को लिया, उस पर भी डिस्कशन हुआ, कहने लगे तो सभी डिपार्टमेंटों पर है, इस पर भी एक्शन होगा। एलजी साहब ने भी कहा तो साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर चाहते तो हमें बाहर से टरका देते शक्ति से मिला करके, लेकिन मैं तो जब 35 साल से मेरे साथ 10,000 किसान आए गांव से, यहाँ मैं लेके आऊँ 10,000 किसान, और मुझे पता है एलजी साहब कैसे मिलते हैं, पता था मेरे को, मुझे पता था, और एलजी साहब के पास ही गया मैं। अब कहने लगा शक्ल से तो मैं भी जानता हूँ, मैंने कहा मैं तो जानता हूँ। तो बात करने का जरा तरीका होता है। तो साथियों, मैं कहता हूँ कि आपकी जो एकता है, मैंने कहा बाहर देखे कई सौ सैकड़ों टीचर दिल्ली का, दिल्ली में एससी और एसटी टीचर 10,000 है। दिल्ली सरकार, तीनों नगर निगम, एनडीएमसी, नई दिल्ली नगर पालिका, छावनी बोर्ड, एडिट रिकॉग्नाइज लगभग 10,000, और 10,000 टीचर का सुप्रीमो रामकिशन पूनिया आपके आगे बैठा है, नहीं उठेंगे वहाँ से, नहीं उठेंगे। तो एल जी साहब को आखिर में खुद यही कहना पड़ा कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है और इसका जो है दोबारा से वो करिए, ताली तो बजा लो। केवल 10 मिनट के अंदर, बल्कि 10 के भी 9 मिनट में मैं इस धरने की समाप्ति की घोषणा करूंगा। उससे पहले मैं एक परिचय करा दूं, हमारे
सत्य प्रकाश जी जो दिल्ली नगर निगम के पूरी दिल्ली के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर आए ताली बजा करके इनका दिल। चढ़ने से पहले प्रेस वालों ने मेरे से एक फोटो मांगा है। यहाँ से खड़े होकर के जब भाषण खत्म हो जाएगा हमारे विनोद चौहान जी का, इसके बाद यहाँ पर नारेबाजी करेंगे, हमारे रणजीत प्रसाद के नारे देखना कितने बढ़िया लगाएंगे हमारे जनरल सेक्रेटरी। तो एक फोटो बड़ी भीड़ का जो है वो यहाँ पर लेंगे। तो पहले विनोद कुमार चौहान जी देना, बिल्कुल आइए आइए, इनका जरा भाषण देखना। केवल 9 मिनट में, 9 मिनट में खत्म हो जाएगा। 2-3 मिनट चौहान साहब धन्यवाद रामकिशन जी, मीना जी, प्रिया मीना जी, एक मिनट अभी गुरुजनों को प्रणाम है मेरा। ये मेरा सौभाग्य है कि आज जिन शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया उनको संबोधित कर रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और दूसरा जिसको पढ़ाओ वह है, दूसरा जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो तो है ही, और जो आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं स्वास्थ्य कर्मचारी भी आए हुए हैं। बहुत बढ़िया, ताली बजाते हैं उनका भी स्वागत। मैं भी स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे मीडिया भाई साहब जरा रुक जाइए, फोटो लेना जरा, रोक रोक बज रहा है। अभी कुछ साथियों ने जो संबोधित किया बहुत अच्छा लगा, कह रहे कि जी हमारा आरक्षण के ऊपर, तो आरक्षण कोई भीख नहीं है, अधिकार है हमारा। पूना पैकेज याद कर लीजिए आप, पूना पैकेज जो बात हुई थी वो आरक्षण 10 साल के लिए भी नहीं था। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि आरक्षण 10 साल का था, कितने दिन का था। आरक्षण पे उंगली उठाना आसान है लेकिन आरक्षण के लिए पढ़ना मुश्किल है। उनके लिए खड़े होकर कहीं भी कह देंगे जी आरक्षित वर्ग के हो, भैया हमसे किसी मामले में आप कंपटीशन करके देख लीजिए, जिस मामले में चाहे हमसे आप कंपटीशन कर ले लिए, क्योंकि हिम्मत हार कर बैठे रहना यह हमको मंजूर नहीं। हमसे मंजिल दूर हो लेकिन हम साथियों हम अपना हक लेना जानते हैं, लड़ना भी जानते हैं, संघर्ष भी करना जानते हैं। और ये मांग नहीं होती, क्योंकि मांग हमारा हक है। मांग नहीं ये हक है, बोलिए हक है, मांग नहीं ये हक है। अपना हक हम लेके रहेंगे, कैसे लोगे, कैसे लोगे, कैसे लोगे, कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करोगे, हम करेंगे, कौन करेगा, हम करेंगे। अपना हक हम लेके रहेंगे, मांग नहीं ये हक है, मांग नहीं ये हक है, अपना हक हम लेके रहेंगे, अपना हक हम लेके रहेंगे, कैसे लोगे, संघर्ष करेंगे, कैसे लोगे, कैसे लोगे, कौन करेगा, हम करेंगे, कौन करेगा, हम करेंगे, कब करोगे, हम करेंगे, कब करोगे, हम करेंगे, कौन करेगा, हम करेंगे, कौन करेगा, हम करेंगे, फिर साथ करोगे, हम करेंगे, फिर साथ करोगे, हम करेंगे, फिर साथ करोगे, हम करेंगे। साथियों किसी ने कहा है इंसान के सच्चे सपनों पर जब आग लगाई जाती है, बांसुरी फेंक दी जाती है और तलवार उठाई जाती है। हमारा झंडा ये हमारी तलवार है, ये झंडा ये हमारी तलवार है, इसे ही लेके हम आगे चढ़ेंगे। बाबा साहब ने कहा था उबलते हुए खून से अपने एहसास लिख दो, उबलते हुए खून से एहसास लिख दो, मंजिल बने ऐसे जज्बात लिख दो। बाबा साहब ने उठाई थी हमारे लिए कलम, आज हम भी उठाएंगे कलम और एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय भी।